बजरंगी भाईजान का लास्ट सीन शूट हुआ था, सनी देओल की जो फर्स्ट मूवी थी बेताब, उसकी पूरी शूटिंग यहाँ पर हुई थी। जब तक है जान की शूटिंग भी पहलगांव में हुई थी। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गर्माज गुड लाइफ। मैं हूँ पहलगाम में, विच इज इन कश्मीर। आज ना मैं व्लॉग कर रही हूँ अपने सोनी के ZV-10 कैमरा पे, लेकिन आप लोगों को मेरे आउटपुट में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है। आई एम श्योर आ रहा होगा, बिकॉज आई एम यूजिंग द न्यूली लॉन्च्ड सोनी का 11mm अल्ट्रा वाइड ई माउंट APS-C लेंस। फ्रेंड्स, जब मैं दूसरे लेंसेज पे सेल्फी मोड में शूट करती हूँ ना, तो मेरी शक्ल ही पूरी स्क्रीन ले लेती है, लेकिन इस अल्ट्रा वाइड लेंस पे देखो मैं आपको कितने अच्छे से बैकग्राउंड भी दिखा पा रही हूँ, बिकॉज ये ना सेल्फी और बैकग्राउंड दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकता है। फ्रेंड्स, दिस न्यूली लॉन्च्ड सोनी ई माउंट APS-C लेंस 11mm हैज अ वेरी लार्ज अपर्चर ऑफ F1.8 which gives a beautiful bokeh effect with very fast autofocus. Guys, यहाँ पे पहलगांव में ना बहुत अच्छे शॉल्स भी मिल रहे हैं, चलो इनके चलते अपने कैमरा का फास्ट फोकस चेक कर लेते हैं। ये जो लेंस है ना, ये बहुत ही क्विक फोकस करता है शिफ्ट। नाइस है ना। राजू, राजू भाई साहब को खाना खिलाने के बाद हमें भी भूख लग गई, तो हम गए एक बहुत ही अमेजिंग प्योर वेज ढाबे में जिसका नाम था पंजाबी रसोई, जहां हमें राजमा चावल, कढ़ी चावल और बहुत सारी ऑसम डिशेस मिली खाने के लिए, और फिर हम निकले पहलगांव एक्सप्लोर करने। गाइज, पहलगांव में बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसीलिए मुझे यहीं से ये पहरन खरीदना पड़ा। दिस इज़ अ कश्मीरी आउटफिट जो कि वुलन होती है, और साथ में मैंने ले लिया ये स्कार्फ ताकि मैं पहलगांव अच्छे से घूम सकूँ। ये देखो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है ना, दिस इज़ सो अमेजिंग। अच्छा, बाय द वे अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, हाँ मेरे कपड़े तो चेंज हुए ही, मेरी गाड़ी भी चेंज हो गई। हम लोग पहलगांव की लोकल टैक्सी से ऊपर जा रहे हैं, बिकॉज हमारी कार यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो आप लोग भी जब यहाँ पर आएंगे तो आपको यहीं की लोकल टैक्सी लेनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, पहलगांव में मैं अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकेशन दिखाने वाली हूँ। ये है अरू वैली की वो रिवर जहाँ पे बजरंगी भाईजान का लास्ट सीन शूट हुआ था, जब सलमान खान पानी पीने के लिए जाते हैं और उन्हें गोली लग जाती है, वो पूरी शूटिंग इसी जगह पर हुई थी। अमेजिंग ट्रिविया, राइट? चलो चलो आगे जाना है। मेरे इस अल्ट्रा वाइड सोनी के लेंस के चलते मैं आप लोगों को वो हट भी दिखा सकती हूँ, पीछे दिख रही है, बजरंगी भाईजान में जब पता चलता है कि सलमान खान पाकिस्तान पहुँच गए हैं, तो वहीं पे उसकी शूटिंग हुई थी। पता है ये लेंस यूज़ करते हुए ना मुझे लग रहा था मेरा सेटअप बहुत ही बल्की हो जाएगा, बट दिस लेंस इज़ सो कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट कि मेरे लिए ट्रैवलिंग में इसे यूज़ करना बहुत ही अच्छा पड़ रहा है। इसका वजन सिर्फ 181 ग्राम्स है। कैन यू बिलीव दिस, दिस इज अ परफेक्ट व्लॉगिंग सेटअप फॉर मी। ये पहलगांव ना बहुत ही फिल्मी है। आपको पता है मेरे पीछे जो ये जगह है इसका नाम क्या है? बेताब वैली। मैं तब से सोच रही हूँ कि किसी जगह का नाम बेताब वैली कैसे हो सकता है, फिर मुझे पता चला कि सनी देओल की जो फर्स्ट मूवी थी बेताब, उसकी पूरी शूटिंग यहाँ पर हुई थी। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन, वहाँ पे गाना शूट हुआ था, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। माय गॉड, दिस प्लेस इज सो नाइस एंड रोमांटिक।
गाइस पहलगांव में तो आज बहुत ही जोर की बारिश हो गई, जिसकी वजह से मैं घोड़े पर पोनी पे बैठ के एक और यहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं वो नहीं देखने जा पाई। आप लोगों को जाते जाते एक और बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन दिखाती हूँ। जब तक है जान की शूटिंग भी पहलगांव में हुई थी। यार ये जगह ना वाकई में मुझे लगता है बॉलीवुड की फेवरेट है, ऑब्वियसली वो भी क्यों ना, इट इज़ Absolutely stunning. I'm glad that I came here. चलो अब होटल चलते हैं। फ्रेंड्स आई एम बैक टू माई होटल और मुझे अपने नए लेंस की ना एक लास्ट चीज़ चेक करनी थी। इसका लार्ज अपर्चर है f1.8, तो इसमें ना अपेरेंटली बहुत ब्यूटीफुल बोके इफेक्ट होता है। आई थिंक मेरे बैकग्राउंड में आपको ये नाइस बोके इफेक्ट दिख रहा होगा। Wow guys, I'm loving the output of this new Sony Ultra Wide lens. You know, it's so awesome. आप लोगों को भी जरूर try करना चाहिए. It's a perfect match for all Sony E-mount APS-C body. अगर details चाहिए तो नीचे मेरे description box में मिल जाएगी. Do not forget to hit the like button, share and subscribe to my channel, Garima's Good Life. Bye.